10 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज होने जा रहा है। कानपुर में इस सीरीज के 7 मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए प्लेयरों का आना शुरू हो गया है। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका समेत कई देशों के प्लेयर यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। जाने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के बारे में। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक तरह से क्रिकेट का महोत्सव कह सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड की सारी टीमें, पूरे विश्व की टीमें जो है इसमें भाग ले रही हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द वीजा प्रोसेस थोड़ा सा डिले उनका हुआ, वरना कोशिश थी भारत सरकार की भी, लेकिन कुछ डिले की वजह से ऐसा हो गया। तो सारी टीमें जो है समझिए, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सब टीमों के जो अपने जमाने के जो लेजेंड्स रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, तिलक रत्न दिलशान, जॉन्टी रूट, शहादत हुसैन, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, कृष्णवरण चंद्रपाल, जिन्होंने 100-100 डेढ़ सौ टेस्ट मैच खेले हैं, 80,000 रन बनाए हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो वो लोग अपना फिर से एक बार जौहर दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे। ये एक तरह से इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो करंट जनरेशन है, एक बहुत बड़ी आयरनी है ये कि हमारे यहाँ लोग पिछड़ों को भूल जाते हैं, द ग्रेट कपिल देव लोग याद रखते हैं, सुनील गावस्कर साहब याद रखते हैं, वो भी इतना बड़ा उन्होंने काम किया, विश्व कप पहला जिताया, तो और भी क्रिकेट के जो बड़े ग्रेट्स हुए हैं जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 20 ईयर्स में लोग जो अब जनरेशन है उतना ज़्यादा नहीं जानती है, तो एक ये भी मौका है उनको जानने के लिए कि वो अपने पुराने ग्रेट्स को देखें, जिनको देख के आज विराट कोहली बने, सचिन तेंदुलकर को देख के, जिनको ब्रायन लारा को देख के आज डेविड वार्नर बने, जिनको जॉन्टी रोड्स को देख के आज जडेजा फील्डिंग करते हैं।